हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं सेकंड चांस फुटवेयर। दोस्तों ये देखिए, मेरे हाथ में है एक पावर बैंक जो कि ओप्पो का लिखा हुआ है पैकेट पे, और यहाँ पे इसका प्राइस जो है 1999 इस तरह से लिखा हुआ है, 1999 रुपीज। तो दोस्तों ये जो है मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरे एक फ्रेंड ने खरीदा है, वो भी रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में आप लोग अगर सफर करते हो तो आप लोग को बहुत कोई मिल जाता है बैग पे जो है पावर बैंक लेके आता है। तो दोस्तों इसमें हुआ ये है कि ये सिर्फ 100 रुपये में ये पावर बैंक उसे मिल चुका है, और ये आपको मैं दिखाता हूँ ओपन करके। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये इसका पैकेटिंग है, और ये कितने एमएच का है आप लोग देख लीजिए, 32,000 एमएच का ये पावर बैंक आपको जो है 100 रुपये में मिला है, वो भी रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों ये हुआ है इसका मीटर, ये आप देख सकते हो 32,000 एमएच लिखा हुआ है, DC 5 वोल्ट है इसका, और 1 एम्पियर आउटपुट है, DC 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो दोस्तों ये पावर बैंक जो है मैंने जो है वो लड़का लेकर आया तो मुझे चेक करने के लिए दिया कि देख तो ये सही है या नहीं। तो मैंने इसे जब चार्ज पे लगाया अपने फ़ोन को तो ये देखिए अभी फुल चार्ज है, और जैसे ही मैं इसे फ़ोन पे चार्ज पे लगा रहा हूँ तो ये 5 मिनट में जो है इसका बैटरी लो बता दे रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिसाइड किया कि आखिर इस पावर बैंक पे ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा एमएच है फिर भी ये चल क्यों नहीं रहा। तो आप लोग की इस वीडियो पर मैं दिखा रहा हूँ कि ठगी किस तरह से इस दुनिया में अभी हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपली से ओपन किया और इसके अंदर में हम लोगों ने देखा तो कुछ अजीब सा कुछ हरकत हुई। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, और ये भारी भी बहुत ज़्यादा है वजन में, और लग भी रहा है कि 32,000 एमएच का ये पावर बैंक है। और उस लड़के ने ले लिया, इसके साथ USB मिला है, USB केबल चार्ज करने के लिए, इस तरह से 3 आउटपुट है इसमें। तो दोस्तों इसको ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें क्या है, और ये क्यों 5 मिनट में इसका बैटरी डाउन हो जा रहा है। और आप लोग को इस वीडियो से सीख मिलेगी कि आप लोग कोई भी लोकल दुकान या फिर रेलवे स्टेशन ऐसा अगर कोई आता है बेचने के लिए तो ये सब मत लीजिए, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना ले, 100 रुपया का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपका ये जो है फूना फोकट का चला जाएगा। तो इसे मैं ओपन करके आप लोग दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसे ओपन कर चुका है पहले ही, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो ये आप देख सकते हो, मैंने जब इसे ओपन किया तो देखिए आप इस तरह से इसका अंदर ये जो है ये कुछ पेस्ट है एक, जो आटा गूंदने के बाद जैसा हो जाता है उसी तरह से आप देख सकते हो। ये इसके अंदर जो है पूरा सेट करके दिया है, ना इसके अंदर कोई बैटरी है ना कुछ, क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये ऑन कैसे हो रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ, और चार्ज भी हो रहा है इसका, मशीनरी चीज़ जो है सारा कुछ ठीक है, बट ये चलेगा नहीं, बैकअप नहीं देगा। यहीं इसका एक देखिए आप लोग पूरा, मतलब कि ये गूंद जो है पूरे पावर बैंक के अंदर यहीं घुसा हुआ है, आप लोगों में दिखाता हूँ इसे इसके अंदर है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे ये रहा इसका करामती, अब बोलिए आप लोग क्या हो रहा है। ये देखिए ये एक छोटा सा जो है बैटरी लगा कर उन्होंने इस मशीन को सेट करके, और ये रहा वो गोंद जो आटे की तरह है और बहुत ही ज़्यादा वजन में भारी है, और ये रहा ये छोटा सा एक बैटरी लगा दिया गया है, और ये मशीन जो है बना दिया गया है, और इसका जो है रेट ले लिया है उसने, और बताया जा रहा था उसको 1200, और जब ये लड़का थोड़ा चालाक था तो इसने 100 रुपये में उसको कंसल्ट करके वो बताता ये चोरी का माल है मैं इसलिए दे रहा हूँ। और इस तरह से जो है ये पावर बैंक देखिए कैसा है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी लोकल दुकान से अगर पावर बैंक खरीदते हो तो मत खरीदिए, जाकर आप कोई अच्छा सा ब्रांड वाला पावर बैंक लीजिए। इस तरह का ओप्पो का पैकेट है डुप्लीकेट जो कि लगा कर दे दिया गया है। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबको ये जो है समझ में आ जाए कि ऐसा गलत काम अभी हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा और आपको फायदा होता रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।